हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर चैनल। तो ये चैनल में अभी कैसा है कि आज हम देखते हैं कि टॉप न्यूज़ कौन से है, मतलब कौन से इंटरेस्टिंग स्टोरी से मैंने आपके लिए फाइंड की है। तो देखिए, एक वन ऑफ द स्टोरी है लाइव मिंट की। तो ये देख सकते हैं आपकी लाइव मिंट का ये जो आर्टिकल है कि टॉप परफॉर्मिंग NPS स्कीम्स, हियर इज़ अ कंपेरिजन। तो NPS एक्चुअली बहुत ही पॉपुलर पेंशन स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके अंदर एक्चुअली टैक्स बेनिफिट भी बहुत अच्छा मिलता है बियॉन्ड द 80C के बेनिफिट के तहत। तो इसमें देखिए, अभी ये एक्चुअली थोड़ा एनलार्ज करके देखते हैं। सपोज तो सी, इसमें क्या है कि हाउ योर इन्वेस्टमेंट इन NPS आर फेयरिंग। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये सब एक्चुअली अलग अलग टाइप के फंड मैनेजर से, जिसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक्चुअली जो है वो कंपैरिजन दिया गया है फॉर इक्विटी ऑप्शन फंड्स, फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड फंड्स, फॉर कॉरपोरेट डेट फंड। एक चौथा भी ऑप्शन नया आया है आई थिंक, जिसमें आप अप टू 5% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये कंपैरिजन है वो आई थिंक बहुत ही अच्छा है। ये देख सकते हैं कि सी, कलर कोडिंग भी दिया है कि 1 ईयर का रिटर्न, 3 ईयर्स का रिटर्न और 5 ईयर्स का रिटर्न। तो सपोज 5 ईयर्स का रिटर्न अगर देखते हैं तो सी, अभी एवरेज रिटर्न 5 ईयर्स का देखते हैं तो कितना है, देखिए ऑलमोस्ट 13% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है 5 ईयर्स में। हाँ, और ऑलमोस्ट सब जो फंड है बहुत ही अच्छे परफॉर्म की है इक्विटी में, एटलीस्ट मेरे एक्सपेक्टेशन से तो ज़्यादा ही है। 3 ईयर्स में देखा जाए तो HDFC पेंशन फंड ने हाईएस्ट परफॉर्म किया है, फॉलोड बाय दिस SBI पेंशन फंड, UTI, इन्होंने भी 16% से ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है। गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करें तो 5 ईयर में गवर्नमेंट बॉन्ड में 10% प्लस रिटर्न दिया हुआ है, कॉरपोरेट डेट में भी 9.5 से ज़्यादा ही, ऑलमोस्ट 10% रिटर्न दिया है। तो ये एक एक्चुअली आर्टिकल है वो आप रीड कर सकते हैं। दूसरा एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है कि बिजनेस टुडे का जो ये आर्टिकल है, इसके हिसाब से एक्चुअली EMI फैसिलिटी ऑन योर डेबिट कार्ड, वीज़ा इंट्रोड्यूसेस न्यू प्लेटफॉर्म। तो एक्चुअली वीज़ा जो है वो पहले एक्चुअली अब तक क्या हुआ करता था कि सिर्फ क्रेडिट कार्ड में एक्चुअली आप लोन लेते हैं क्रेडिट कार्ड का और उसको EMI में कन्वर्ट करा सकते थे, लेकिन ये आर्टिकल के हिसाब से आप एक्चुअली डेबिट कार्ड से भी अगर परचेस करते हैं तो उसको एक्चुअली EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ये एक एक्चुअली आज का इम्पोर्टेंट स्टोरी है। तो अगर ऐसा सही में हो सकता है तो फ्यूचर में बहुत ही अच्छा रिवॉल्यूशन आ सकता है मेरे हिसाब से। ये एक दूसरा स्टोरी है INC 42 का, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि GooglePay टू लॉन्च गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्स इन इंडिया। तो इसके जो हाइलाइटिंग फीचर्स है वो बहुत ही लुक्रेटिव है कि द कंपनीज प्लान वॉज रिवील्ड फ्रॉम इट्स टर्म्स एंड कंडीशन पेज एंड GPay GooglePay यूजर्स विल बी अलाउड टू बाय सेल एंड इन्वेस्ट इन गोल्ड यूजिंग द मोबाइल ऐप। मतलब आप इंडियंस तो जैसे देखिए कि गोल्ड के तो मतलब बहुत ही चाहक होते ही है, तो अभी गूगल पे की मदद से आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी गोल्ड का बाय सेल और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये जो सर्विस है, इसका जो सर्विस प्रोवाइडर है MMTC-PAMP, मैं बहुत नहीं जानता हूँ इसके बारे में, लेकिन इसके थ्रू एक्चुअली गूगल पे से आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो देखिए, अभी ये आर्टिकल भी तो मेरे हिसाब से एक्चुअली बहुत ही नोट वर्दी है। तो ये मेरे हिसाब से आज के एक्चुअली इम्पोर्टेंट, वैसे देखा जाए तो लास्ट वीक के इम्पोर्टेंट न्यूज़ स्टोरीज जो कि मैंने फाइंड की है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, मैंने ऐसा सोचा। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली ये शॉर्ट अपडेट में दे रहा हूँ, और आप एक्चुअली मैं नीचे भी बहुत सारे यूज़फुल लिंक्स ये डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वो लिंक्स भी चेक करना ना भूले, और आपके कमेंट्स या सजेशन है वो आप नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू।